गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गब्बू माय लाइफस्टाइल। सुबह के करीब 8:30, और पता क्या है, कल वैसे भी सीपीओ तक चले गए थे, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया। एक्चुअली रैली थी बीजेपी, तो बंदा ब्रदर है अपना वो बीजेपी में है, तो कल रैली थी तो मुझे जाना पड़ा था इसके साथ। अपा तो साले किसी पार्टी में जुड़े भी नहीं है। तो यार आज फिर से रिकॉम्पियो मतलब अपना मेन टाउन, तो मार्केट जाना पड़ रहा है मम्मी के साथ। एक्चुअली चुल्ली का तेल मेंस ऑयल निकालने जा रहे हैं, तो अभी मैं हूँ अपने शॉप पे। बंदा तो बिजी यार, आते हैं भाई। मैं पहुंचा हूं मम्मी के साथ रिकॉन्गफियो। घर से निकले थे हम, जो आपको बताया था मैं शॉप से निकला था, तो रिकॉन्गफियो मैं पहुंच गया हूं। अभी मार्केट से रास्ता बंद है तो मैं जा रहा हूं वाया पेट्रोल पंप, बाईपास भी बोल सकता हूं इस रोड को, मैं बाईपास वाले रोड से जा रहा हूं। मैं भी लवी मेला चल रहा है 10 तारीख तक, तो हम पहुंच गए हैं भाई रिकॉन्गफियो पुलिस लाइन। तो फादर का रूम है यहाँ, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। पहले मैं जगह देख लेता हूँ, अभी गाड़ी अच्छे से लगा लेता हूँ। अरे यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। ये है हमारे मम्मी। हेलो लंदा। कैसे हैं लंदा? हेलो बेटा, कैसे बेटा? तो दोस्तों मैं पहुँचा हूँ पीयू रिकॉम्पियो हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ मेरे फादर जॉब करते हैं HP पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में। यार यहाँ पे ना पार्किंग की बहुत अच्छी जगह तो है, तो थोड़ा टफ पार्किंग जगह है। ये हमारा रोड, इधर बचत भवन भी है, ये वाला इस पोर्शन में बचत भवन है साथ में। तो बचत भवन के साथ ही जो बिल्डिंग है ये वाली, तो चलते हैं। अब लकड़ी की आपको एकदम पौड़िया मिलेंगे, सीढ़िया देखिए लकड़ी के। ये काफी पुरानी बिल्डिंग है, शायद आई थिंक अप्रोक्सीमेट 30 ईयर्स एबव हो सकता है शायद। मुझे इतना नॉलेज है कि 20 साल तो मुझे ही थोड़ा याद आ रहा है, 20-30 साल तो लगे होंगे इसको। वाओ ये देखिए, अरे फादर का रूम दिखा दें आपको। शूज के साथ आ रहा हूँ बहुत है, तो हीटर ही यहाँ पे एंट्री में ही। फर्स्ट आपको एक सिंगल रूम, तो सिंगल रूम के जो साथ में ये आपको एक बाथरूम होगा, एक लाइट जला लेता हूँ। बाथरूम है, वॉशरूम है, यहाँ तो बैठने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह ले रही है। हाँ इसका थोड़ा सा रेनोवेट कर रहा था, किचन को थोड़ा अच्छे से दिखा रहा है यार। अब फादर को अब रिटायरमेंट के लिए कुछ 4-5 साल है, तो उसके बाद याद आएगी ये रूम्स, काफी सालों से फादर यही है। और ये है सेकंड रूम, तो गवर्नमेंट के रूम देखिए दोस्तों कहते हैं। और एक अच्छी चीज, तो किन्नौर का जो टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो माइनस का टेम्परेचर रहता है। तो फर्श लगे हैं देखिए, ये फर्श है आपके लकड़ी के, जबरदस्त एंड सॉलिड चीज, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी सर्दियों में, ठंड से बचाव, आपका आइसोलेटेड रहता है ये वार्म आइसोलेटेड, क्योंकि आपका जो कोटेड जो आपका दीवार जो बनाई कोटेड मिट्टी के हैं। और अभी तो इन्होंने रेनोवेट कराया होगा, तो सीमेंट के भी हो सकते हैं, पहले तो मिट्टी के थे। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों ये। सबसे अच्छी चीज सर्दियों में तो बहुत कम्फर्ट चीज है, बहुत ज्यादा कम्फर्ट ये चीज भी।
का फर्स्ट एंड रूफ दोनों लकड़ी के हैं। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये, तो अच्छी बात है कि अभी भी इसको मेंटेन रखा है। हमारा बचपन यहीं पे बीता है, काफी टाइम यहीं पे स्पेंड करा है इस वाले ग्राउंड पे। ये हमारा खेल परिसर है पुलिस ग्राउंड का, तो मैक्सिमम जो भी आपको फंक्शंस प्रतियोगिता है कुछ भी रहता तो यहीं पे ऑर्गेनाइज होता है। तो दोस्तों आज मौसम खराब हो पड़ा है, आई थिंक पहाड़ों पे बर्फ भी पड़ रही है हल्की हल्की, और टेम्परेचर जो किन्नौर का है काफी कम है। मम्मी के साथ जो मैं आया हूँ यहाँ पे मार्केट रिकॉन्ग पे, घर से 30-40 किलोमीटर का रास्ता है, अभी से इतनी ठंड है, तो देखिए जनवरी में क्या हाल होगा, दिसंबर आफ्टर दिसंबर जनवरी लास्ट एप्रिकॉट ऑयल कैसे निकालते हैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ वीडियो बना पाऊँ तो आपको दिखा दूंगा। तो मम्मी को लगेगा कम से कम अभी 2 घंटे, तब तक मैं मार्केट जाऊँगा, शॉप के लिए कुछ सामान भी लेना है मुझे। रिकॉम्पियो का सबसे बड़ा सुपरमार्केट जो हाल ही हाल 1 साल हो गए इसको खोले हुए। भाई मेरा वाला आइटम कहाँ रख दिया आपने, उधर ही रख देना, कहाँ है गाइस, जिसको इस सुपरमार्केट के बारे में पता नहीं है प्लीज़ विजिट हियर, काफ़ी अच्छा सा मॉल बनाया है इन्होंने, ऑल इन वन, आपको एक ही जगह सब चीज़ें प्रोवाइड होगी यार। आपको मार्जिन पूरा मिलेगा इसमें डिस्काउंट। भाई लवी मेला कैसा चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया। आए कहाँ से हो? मैं कांगड़ा से। कांगड़ा से आए हो, ये तो अपने हिमाचली बंदे यार। ठीक है, गेम कैसे कैसे है? देखो मैं ये रिंग है, देखो एक बांस की है, किस चीज की बनी है ये, बहुत हल्की है एक्चुअली, इसका वेट भी इतनी हल्की है कि सही स्टिक जाना बहुत मुश्किल रहता है। चालू चीज़ है, देखो अब मैं ये चीज़ फेंक रहा हूँ, ये देखो अब मैं भाई साहब ये चलो बिस्किट के लिए थोड़ा सा इसकी हाइट ठीक है बिस्किट की ना, ये देखो निकल गया बाहर, बाहर निकल गया, ये देखो क्यों निकल रहा है, और एक बार ट्राई करूँ ये अपने से होगा नहीं भाई साहब, फिर भी यार मस्त है, कमाओ यार तुम लोग। ठीक है, सामान लगा सामने, इसके ऊपर माचिस पड़ी हुई है। अच्छा, इसको लगेगी तो वो सामान के ऊपर से माचिस को हटाना है, निशाना लगाना। अच्छा, उसमें फिर क्या प्रॉफिट क्या रहेगा? जो सामान निकलेगा वो भी आपका हो जाएगा। अरे कॉर्क शूटिंग ये किस चीज की बनी होती है, लकड़ी जैसी लग रही है सर, ये शैंपेन वगैरह होती है। हाँ, शैंपेन में जो लगती है उनकी बोतल होती है उनमें होती है डॉट। अरे रे रे, जबरदस्त चीज है यार, ये तो बहुत हल्की है, फूक से भी उड़ने वाली चीज है। ये लवी मेला का सेकेंड लास्ट नॉन ऑफिशियल मार्केट अभी भी चल रहा है, ऑफिशियली तो 4 दिन था, 2 तारीख तक, 2 नवंबर तक जो ऑफिशियली था, उसके बाद ये अभी भी मार्केट सजी है रिकॉम्पियो में। तो खचाखच सेकंड लास्ट लवी आपका मार्केट, देखो कितने मस्त तरीके से सजी है। ओ भाई कुछ बेचना है, आ जा इधर, ऐसे बिकेगा माल? बताओ जैकेट के कैसे कैसे ये वाले? 500 है भाई जी, 500। नाम क्या तुम्हारा, कहाँ से आए? कुल्लू से। अपने कुल्लू के ही हैं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, पहले मैं वीडियो को करता हूँ पॉज, पहले जैकेट ट्राई कर। अरे ठंड ठंड, तो दोस्तों अब निकलते हैं यार घर की तरफ, मौसम बहुत ही भयानक हो रखा है, मौसम बहुत खराब है, दिखाते हैं आपको। मेरे साथ एक और कौन है, हेलो कर दो सिनमा, मेरी सिस्टर सिनमा।